चाहे को भी तुम एब्सोल्यूट गोल बनाओगे, उससे चाहते तो तुम एक प्रकार की खुशी ही हो, यही तो चाहते हो, और क्या चाहते हो। तो एब्सोल्यूट गोल नहीं होता है, एब्सोल्यूट ये होता है कि उसी खुशी में रह कर के तुम अपने बाकी सारे काम करो, छोटे बड़े लंबे चौड़े जो भी हैं। बात स्पष्ट नहीं हो पा रही क्या बोल रहा हूँ? आखिर में क्या चाहिए? खुशी। मैं कह रहा हूँ तसल्ली, खुशी तसल्ली जो भी बोल लो, आनंद। मैं कह रहा हूँ उसमें रहते हुए ही बाकी सारे काम करो, एब्सोल्यूट को पहले पाओ और शॉर्ट टर्म को बाद में पाओ। सुनने में अजीब लगेगा, ज़िंदगी में आमतौर पर ये होता है कि जो पास का होता है वो पहले मिलता है और जो दूर का होता है वो बाद में मिलता है। मैं तुमसे कह रहा हूँ जो दूर का है पहले उसको पालो, फिर जो ये पास वाले हैं इनको पाते रहना। नहीं समझ में आ रही बात? क्योंकि जो दूर का है वो अभी है ना। तुम, हमने कहा एब्सोल्यूट तो तुम्हारी खुशी ही है, इसने कहा तसल्ली ही है। जो भी करो तसल्ली में करो, जो भी करो खुशी में करो। तो एब्सोल्यूट तो मिल गया, अब छोटे मोटे पाते रहेंगे। लेकिन जब और इंसान सेटिस्फाई हो जाता है, तसल्ली हो जाती है, तो उसकी चाह मतलब इच्छा ही खत्म हो जाती है। हाँ, फिर उसकी इच्छा नहीं खत्म होती, उसकी बदहवासी खत्म हो जाती है। भाई जिसको खुशी मिली हुई है, जो तसल्ली में है, ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ भी करेगा नहीं, पर जो कुछ भी करेगा वो तसल्ली में करेगा। जिसको खुशी नहीं मिली हुई है वो जो कुछ भी करेगा वो कैसी स्थिति में करेगा? अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो अपनी कैसी हालत में कर रहा हूँ? दुख में करूँगा ना, खुशी नहीं है मतलब दुखी हूँ। और दुख में तुम जो भी कुछ करोगे वो अच्छा तो हो नहीं सकता, दुख में तुम जो भी कुछ करोगे वो अच्छा तो हो नहीं सकता ना। समझ में आ रही है बात? तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि शॉर्ट टर्म गोल, फिर लॉन्ग टर्म गोल और फिर एब्सोल्यूट गोल। मैं तुमसे कह रहा हूँ एब्सोल्यूट सबसे पहले आता है, उसके बाद तुम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तुम्हें जो करना है करते रहना। उस एब्सोल्यूट को पहले पाओ, क्योंकि वो एब्सोल्यूट लगने में दूर का है, वास्तव में बहुत पास है। तुम थोड़ा सा ज़िंदगी को समझ जाओ तो तुम्हें वो एब्सोल्यूट बात समझ में आ जानी है। और जो आदमी तसल्ली में काम करता है ना, उसके सारे काम बढ़िया होते हैं। जो आदमी बदहवासी में काम करता है वो कुछ भी करेगा उल्टा ही पुल्टा करेगा, भले ही कितना बड़ा काम कर रहा हो, भले दुनिया को ये लग रहा हो कि इसने तो पता नहीं क्या कर दिया, पर वो वास्तव में उल्टे ही पुल्टे काम कर रहा होगा। पहले बताओ, ये पहली बात समझ में आ गई है? आगे मत भागो। नहीं सर, नहीं हुई। नहीं हुई क्लियर? मैंने बहुत साधारण बात कही, इतनी साधारण कही है कि तुम्हें उसमें कुछ लोचा दिख रहा होगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ आखिर में क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, जो भी कहना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ उसको आखिर में मत पाओ, उसको पहले पाओ। सबसे पहले उसको पालो, उसके बाद बाकी सारे काम धंधे कर लेना। कुछ कर करके तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन पाया नहीं जाता, सेटिस्फाइड आदमी सब कुछ पा जाता है। बस समझ रहे हो? सेटिस्फैक्शन पाने की चीज़ नहीं है, पर जो सेटिस्फाइड आदमी है उसे सब मिल जाता है। पहले सेटिस्फाइड हो जाओ, उसके बाद दौड़ लगाओ। दौड़ लगाने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, जब जो सेटिस्फाइड होके दौड़ लगाता है वो जीत जाता है। तुम्हें शायद ये लगता होगा कि जो लोग सबसे भूखे होते हैं वो जीतते हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा आतुर होते हैं जीतने के वो जीतते हैं। मैं उल्टी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो जितना अपने आप में भरा है, पूरा है, जिसको ये नहीं लग रहा है कि कुछ कमी है जीवन में, वही जो कुछ करता है बढ़िया करता है। तो फिर इसमें कॉम्पिटिटिवनेस उसकी कम जैसे क्या हो गया? तुमसे किसने कह दिया कि कॉम्पिटिटिव होना बड़ी ज़रूरी बात है, प्रतिस्पर्धी मन होना ही चाहिए? सर, आपके कहने का सही है कि पहले मन की शांति पाए। हाँ, लेकिन मन की शांति अगर हम इस एज में पालेंगे सर, हमारी आगे की पूरी ज़िंदगी जो कि 30-40 साल की अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है, उसके अगर हम अभी शांति पाए। ये सब तुम्हें किसने बताया कि एक उम्र होती है शांति पाने की? बड़े उनको मिली है? नहीं मिली है तभी वो बता। उनको मिली होती तो ये बताते कि एक उम्र होती है पाने की, जिसको मिलेगी वो उसकी कीमत जानेगा, वो कहेगा वही तो असली चीज़ है, अभी पाओ।
ये सब बातें तुम्हें बता रहे हैं नासमझ लोग हैं जिन्हें खुद कभी कोई शांति नहीं मिली, वो अशांति से भरे हुए हैं इसीलिए अशांति फैला रहे हैं। प्रमाण ये रहा, जो अशांति से भरा होता है वही तो अशांति फैलाता है ना, उनमें खुद सिर्फ अशांति है इसीलिए सबको अशांत देखना चाहते हैं। पर एक ईगरनेस खत्म हो जाती है तो मतलब तुम्हारी खत्म हुई है ईगरनेस, तो तुम्हें कैसे पता कि ईगरनेस जब खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? ये ऐसा ही है, हाँ रिस्क हो ही गया, पर अभी जो तुम कर रहे हो वो देखो वो कितना बड़ा रिस्क है। मैं उससे छोटे रिस्क की बात कर रहा हूँ, तुम तो ये कह रहे हो मुझे अशांत ही रहे आना है जीवन के अंत तक, ये कितना बड़ा रिस्क है ये तो देखो। मैं तो उससे छोटे रिस्क की बात कर रहा हूँ, हमें बीमार रहने की इतनी आदत पड़ जाती है कि स्वास्थ्य हमें रिस्की लगने लग जाता है। जैसे किसी आदमी को बैसाखी पे चलने की आदत पड़ गई है, पाँव वाँव उसका ठीक है पर आदत पड़ गई है उसकी कि बैसाखी पे ही चलना है, अब उसे कहा जा रहा है कि हटा दो तो क्या बोल रहा है? रिस्क है। तो वैसी ही तुम्हारी हालत है, पहले शांत हो जाओ फिर जो करना सो करना, एब्सोल्यूट को पहले पाओ, छोटे मोटे आने दो। एब्सोल्यूट आखिरी लक्ष्य नहीं है, वो पहला है, अभी है। ये जिन भी लोगों ने तुम्हारे मन में बातें डाली हों कि पहले छोटे मोटे लक्ष्य पाने चाहिए और फिर परम लक्ष्य को पाया जाएगा, ना समझ लोग हैं, जीवन को नहीं देखा उन्होंने। परम लक्ष्य छोटे मोटे लक्ष्यों को पा करके नहीं मिलता, वो इतना बड़ा है कि छोटे मोटे से उसकी कोई तुलना ही नहीं है, वहाँ कोई सीढ़ी नहीं ले जाती तुमको कि पहले एक कदम फिर एक और कदम फिर एक और कदम और फिर परम कदम, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहला कदम ही परम कदम होना चाहिए, समझ में आ रही है बात? पहला कदम ही परम कदम होना चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हें जो कदम उठाने हैं उठाना, नाचना खेलना कूदना दौड़ लगाना जो तुम्हें करना हो करना, पहले सत्य में आ जाओ, शांत हो जाओ, मस्त हो जाओ, मौज में आ जाओ, उसके बाद जो करना हो करना। अगर इसको रियल लाइफ से रिलेट करें तो जब किसी पर्टिकुलर जॉब में जाना चाहते हैं, जब तक वो पर्टिकुलर जॉब ना मिल जाए तब तक किसी दूसरी जॉब ना जाए, तब तक उससे हम परम लक्ष्य की बात कर रहे हैं ना, और तुम टुच्ची लक्ष्यों की बात कर रहे हो, जॉब वन जॉब टू जॉब थ्री जॉब फोर, परम लक्ष्य समझते हो क्या होता है? फिलहाल मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे दिमाग में कोई पर्टिकुलर कंपनी है, किस कंपनी में ये पोस्ट मिल जाते हैं, ये सब छोटे छोटे लक्ष्य हैं ना। तुम्हें वो पोस्ट भी मिल सकती है अगर तुम उद्वेलित हो, बदहवासी की हालत में हो, तुम उस पोस्ट के साथ जो भी तुम करना चाहते हो उसके साथ भी न्याय कर पाओगे अपनी वर्तमान हालत में। मैंने तुम लोगों को आखिर ये 15 मिनट और क्या बोला था कि तुम्हारी जो हालत है अगर यही हालत रही तो इस हालत में तुम कुछ भी नहीं कर सकते, पहले तो ये हालत बदलनी है ना, उसके बाद कुछ भी होगा। परम लक्ष्य जानते हो क्या होता है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो जॉब कर करके मिलेगा? अरे जब वो हज कर करके नहीं मिलता तो जॉब कर करके कैसे मिल जाएगा? मैं किसकी बात कर रहा हूँ और तुम किस चीज़ से उसकी तुलना कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें ठीक है हटाओ उसको, उसको बोल दिया मैंने, मैं नहीं यहाँ बैठ करके ईश्वर और ब्रह्म की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सीधी सीधी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुमको अगर मैच में पूरी ऊर्जा के साथ खेलना है तो मन पहले शांत होना चाहिए, ठीक है? कह रहा हूँ कि नहीं? तुम्हें अगर लड़ाई पूरी ताकत से लड़नी है तो शांत मन से ही लड़ पाओगे, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ। पहले शांत मन को पाओ फिर लड़ाई लड़ने जाओ, क्योंकि जो लड़ाई में अशांत मन के साथ उतरा है उसका तो सर कटेगा, उसको तो घाव लगेंगे, मरेगा वो, बात समझ रहे हो कि नहीं? और जितनी भीषण लड़ाई तुम्हें लड़नी है तुम्हें उतना ही पहले शांत होना पड़ेगा, जो शांत नहीं है वो लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। लेकिन सर कहा जाता है कि जो जो बंदा ज़्यादा, जैसे कहा कहते हैं कि भूखा शेर ज़्यादा खतरनाक होता है, अगर अरे भाई अगर जानवरों के ऊपर जो बातें लागू होती हैं तुम उनको अपने ऊपर लागू करने में जुटे हुए हो। सर किसी चीज़ की अगर ईगरनेस, अगर हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ ठीक है मैं उसे बीट कर दूंगा, अब अपने आप को शांत करके हमें अचीवमेंट, सेटिस्फाइड का ये मतलब नहीं होता कि मैं उसे बीट कर दूंगा, तुम सेटिस्फैक्शन का बहुत गलत अर्थ लेके बैठे हुए हो।
मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो शर्तों वाला सेटिस्फैक्शन है, मैं एक दूसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसको कंटेंटमेंट बोलते हैं। वही होता है अपने आप में पूरा होना। वो ये कहता है कि मैंने अगर रेस जीत ली तो बहुत अच्छा, नहीं जीती तो भी मेरा कुछ बिगड़ नहीं गया, मुझ पर कोई आँच नहीं आ गई, मेरा कुछ कम नहीं हो गया। तो मैं दौड़ रहा हूँ, पूरी ताकत से दौड़ रहा हूँ, मैं जीत जाऊँगा बहुत अच्छा, नहीं भी जीता मस्ती है, हम कल फिर दौड़ लेंगे। और जब तुम ये कह के दौड़ते हो कि नहीं जीता ना तो मेरी इज्जत पे आँच आ जाएगी, तो फिर तुम्हारा दिल टूट जाता है, फिर तुम दूसरे दिन दौड़ पाते हो, और पहले भी दिन जब तुम पाते हो कि तुम हार रहे हो तो तुम्हारे हाथ पांव थरथराने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। ये देखा है कि नहीं? परीक्षा शांत मन से दो तब ज़्यादा अच्छा लिख पाते हो, या थरथराते हुए पसीने में डूबे हुए दो तब? तो पहले क्या करना है? पहले वो शांति पानी है, उस शांति में बैठ करके उसी में आसन लगा करके फिर जो करना है सो करो। कैसे पाई अशांति? कैसे पाई? तो शांति कहाँ से मिलेगी? बहुत बढ़िया, ठीक, तुरंत समझ गए। बाहर से तो नहीं आएगी, बाहर से तो क्या आई है? अशांति ही आई है, बाहर से तो अशांति ही आई है, तो शांति बाहर से तो नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ शांति लेकिन पाई जा सकती है, तो इसका मतलब वो कहाँ है? मन से है, भीतर ही, पानी ही नहीं है। तभी तो तब से कह रहा हूँ कि जो एब्सोल्यूट है वो सबसे पास है। ये तुमने इधर उधर से पाल रखी हैं चीज़ें, ये दूर की थी, तुमने बाहर से इकट्ठा कर ली। जो एब्सोल्यूट है वो तो बिल्कुल पास है, बस ये जो कचरा तुमने इकट्ठा कर रखा है ना, इसको ज़रा साफ़ करो। जैसे तुमने जो इकट्ठा कर रखा था कि बताया गया है हमको कि इस उम्र में ये करना और उस उम्र में वो करना और उस उम्र में वो करना, ये कचरा है, तुमने इसकी जांच पड़ताल भी नहीं की, बस स्वीकार कर लिया। क्योंकि सर हमारी जो एज थी वो अब नहीं है ना, अब नहीं है ना। किस एज में करा था स्वीकार? चलो 5 साल के थे, अब कितने साल के? अब तो नहीं हो। अब जब 200 साल बीत गए उस बात को अभी भी क्यों लेकर के बैठे हुए हो? बदले नहीं, मतलब सोच को साफ रखें। हाँ हाँ, जांच पड़ताल करें, ईमानदार रहें, ईमानदार रहें, झूठा जीवन नहीं बिताएंगे। बात को हमारी ये आगे आने वाली जिंदगी के मॉरल्स की आप बात कर रहे हो, ये मॉरल्स नहीं हो सकते। मॉरल्स तो ये है कि एक बात पकड़ लो, मैं कह रहा हूँ तुम मॉरल्स की भी जांच पड़ताल करो। ये एक इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग है, ये मोरालिटी नहीं है। ये तो मैं जो बोल रहा हूँ तुमसे, अगर ऐसे तुम हुए तो मॉरल्स को तो तुम तोड़ फोड़ दोगे, क्योंकि ज़्यादातर मॉरल्स में कुछ रखा ही नहीं है, मॉरालिटी में ही कुछ रखा नहीं है। मॉरालिटी का मतलब बाहर से किसी ने तुम्हें 2-4 बातें बता दी। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम ताकतवर हो, तुम में समझने की क्षमता है, तुम समझो, जानो, जगे हुए रहो, बस। सर हमारा एम क्या है? इतनी देर से एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कर रहे थे, क्या है? तुम मस्त रहते हो जब, तो एम मांगते हो। कभी बहुत खुश हुए हो, मौज में बिल्कुल नाच रहे हो, उस वक्त पूछते हो मेरा एम क्या है? पूछते हो क्या? कभी प्यार से किसी के गले लगे हो फिर पूछते हो कि अभी ये बताना एम क्या है? अरे जब मौज में हो, मगन हो, हाँ, तो एम एम की किसको याद आती है? क्या एम वगैरह लगा रखा? एम तो दुखी चित्त मांगता है। जब तुम दुखी होते हो ना तब तुम कहते हो कि एम चाहिए, परेशानी में एम का सवाल उठता है, वरना एम क्या है? कुछ नहीं।